नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार सावंत है और मैं आपको नवी मुंबई के अंदर लेके आया हूँ। नवी मुंबई पनवेल के अंदर आप देख रहे हैं कि 450 एकड़ की एक बहुत बड़ी टाउनशिप है, जिसमें आपको फ्लैट्स मिलते हैं, आपको बंगलों मिलते हैं और बिल्कुल आपको नेचर का एरिया मिलता है। तो इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है, तो बात करेंगे हम इसकी कनेक्टिविटी के बारे में और इसमें होने वाले एप्रिसिएशन के बारे में। और जो बंगलो है मेरे पास 3 BHK और 4 BHK के बंगलो है, बहुत बड़ी मेगा टाउनशिप डेवलप हो रही है और टाउनशिप भी ऐसी है कि पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग डेवलप हो रही है। इससे आपको मेट्रो कनेक्टिविटी मिलती है, ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलती है, आपका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ी आगे जाके हम बात करते हैं इसके बारे में, मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। आइए दोस्तों मैं आ चुका हूँ पनवेल में, जहाँ पे मेरे बंगले हैं 3 BHK और 4 BHK के बंगले हैं। मैं पहले 3 BHK का बंगला दिखाता हूँ, जिसका साइज है 1850 का रेरा कार्पेट एरिया। जी हाँ दोस्तों, रेरा कार्पेट एरिया सामने आपके 3 BHK का बंगला है। इसका कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से मायवान है, कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन आगे की तरफ दिखाऊं तो इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन में आपका ब्रिक्स यूज नहीं हुआ, ये टोटली कंस्ट्रक्शन मायवान है। जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में जो कंस्ट्रक्शन आता है वो सेम कंस्ट्रक्शन हमने यूज किया है और ये बिल्कुल पनवेल का एक मेन पॉइंट है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके बिल्कुल इसके अपोजिट में आपका इंडिया बुल का प्रोजेक्ट पड़ता है और इसके बिल्कुल दूसरी तरफ में गोदरेज का प्रोजेक्ट पड़ता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बिल्कुल हिल स्टेशन और नेचर के बीचों बीच है, ठीक है। तो पनवेल की कनेक्टिविटी बिल्कुल पनवेल में ही प्रोजेक्ट है आपका। और आइए मैं आपको 3 BHK का बंगला दिखाता हूँ अपना। ये मेरा अंदर का पैसेज है, तो मैं यहाँ से एंटर करता हूँ तो ये मेरा पूरा पार्किंग का एरिया है। ये मेरा एरिया इतना बड़ा है, अगर मैं प्लॉट की साइज की बात करूँ तो 2000 स्क्वायर फीट का मेरा प्लॉट है। यहाँ पे 2 गाड़ियां आराम से खड़ी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मेरा ये गार्डनिंग का एरिया आ गया, ये छोटा सा मेरा गार्डन का एरिया आ गया ये वाला। और यहाँ पे मैं इस तरीके से एक मतलब आपके हिसाब से आप कोई भी एमिनिटीज डेवलप कर सकते हैं इधर इस तरफ। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये मेरा जो पार्किंग का एरिया इसमें लेके आता हूँ, तो थोड़ा सा आगे आइए। तो बैक साइड में आप गार्डन डिजाइन कर सकते हैं और यहाँ की तरफ एक छोटा सा वॉशरूम भी मैंने डेवलप कर रखा है, इस तरफ वॉशरूम भी है। तो इसका जो एंट्रेंस है आपका, जो मेरा मेन गेट का एंट्रेंस है, ये वॉशरूम हो गया। तो आप मेरे बंगले के एंट्रेंस पे आ जाइए, मैं एंटर करता हूँ बंगले के अंदर। तो ये मेरा एंट्रेंस का एरिया है, बहुत ही खूबसूरत बंगला है, 1850 का रेरा कार्पेट एरिया दोस्तों, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और पनवेल जैसी जगह पे, नवी मुंबई जैसी जगह पे, जो पूरी तरीके से प्लान टाउनशिप है। तो ये मेरा बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, जहां पे मेरे को एक वॉशरूम मिलता है। मैं अंदर जैसे एंटर करता हूँ मेरे को एक लिफ्ट मिलती है और मेरे को लिफ्ट का प्रोविजन भी दे रखा है। तो मैं पहले स्टेज से जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या मैंने किस तरीके से डिजाइन कर रखा है। आइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं स्टेज से आया हूँ और मेरे कैमरामैन लिफ्ट से आए हैं। तो ये मेरा जो एरिया है, ये फर्स्ट फ्लोर का मेरा एरिया है, बड़ा सा मेरा एक ड्राइंग रूम का स्पेस आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया है। तो इसका जो एरिया का जो साइज है आपके सामने शो हो रहा है, तो ये मेरा साइज है ड्राइंग रूम का, एरिया का साइज है। तो ये बड़ी सी एक फ्रेंच विंडो है, तो इसमें एक जो साउंड प्रूफ मैंने ये आपको फ्रेंच विंडो दे रखी है, कोई भी बाहर की आवाज अंदर नहीं आएगी, अंदर की आवाज बाहर नहीं आएगी। तो ये आपका बड़ी सी बालकोनी है, तो थोड़ा सा आप आगे आइए। तो ये एरिया है, तो बिल्कुल आलिशान बालकोनी है, फर्स्ट क्लास व्यू दिखता है, जो मैं आपको टेरिस के ऊपर जाके व्यू दिखाऊंगा, बड़ा आलिशान व्यू दिखता है। तो ये मेरा बंगलों का ड्राइंग रूम का एरिया है। तो नेचर वाइज सिस्टमेटिक प्लान टाउनशिप पूरी तरीके से डेवलप हो रही है और पनवेल का जो ग्रोथ है वो बहुत बड़े लेवल का है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 3 BHK और 4 BHK के जो बंगलों का जो प्राइस है, मैं शो कर दूंगा आपको प्राइस। इसके बाद मैं यहाँ से आपका मेरा ये किचन का एरिया है, तो किचन का एरिया जो मैं आपको, ये है पूरी तरीके से, ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन का एरिया दे रखा है। तो मतलब किचन का एरिया पूरी तरीके से सेपरेट है और पूरा स्पेसियस है। वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी विंडो है, तो बड़ा सा किचन है आपका। तो इसमें सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे, नीचे का प्रोविजन आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल मेरे ड्राइंग रूम से लगता हुआ मेरा वॉशरूम है, ये मेरा वॉशरूम का स्पेस है। तो वॉशरूम का ये छोटा सा आपका वॉश बेसिन का एरिया दे रखा है, जिस तरीके से टाइल्स लगी हुई है चारों तरफ से, इसी तरीके से आपको टाइल्स मिलेगी। इसके बाद ये मेरा वॉशरूम का एक सेम सैनिटरी आपको मिलेगी, सेम टाइल्स मिलेगी, एंटी स्ट्रिक टाइल्स आपको नीचे की तरफ मिल रही है।
तो पूरी तरीके से कंप्लीट करके आपको हैंड ओवर होगा ये प्रोजेक्ट। तो इसके बाद मैं अपने ड्राइंग रूम के एरिया से, ये मेरा लिफ्ट का एरिया है जहाँ पे सीनियर सिटीजन को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है, वहां पे हमने लिफ्ट का प्रोविजन भी आपको दे रखा है। तो ये मेरा पहला मास्टर बेडरूम है, तो आप देख सकते हैं कि सेम इसी तरीके से सैनिटरी और इसी तरीके से आपको एक पूरा लुक मिलता है। तो ये मेरा वॉशरूम का पूरा लुक है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर करता हूँ। ये मेरा मास्टर बेडरूम है, तो जो मास्टर बेडरूम है मेरा, इसका भी साइज आपके सामने शो हो रहा है। तो ये मेरा साइज है, मतलब हर रूम मेरा स्पेसियस है क्योंकि मेरा साइज है टोटल 1850 का यूजेबल कारपेट एरिया है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं अब सेकंड फ्लोर की तरफ। आइए दोस्तों, तो सेम मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो लिफ्ट से जाए, मैं स्टेज से जाता हूं, ऊपर मिलते हैं। तो दोस्तों ये मैं सेकंड फ्लोर पे आ गया हूं, मैं स्टेज से आया हूं, मेरे कैमरामैन लिफ्ट से आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स का एरिया है, आपको ये इंटरनल स्टेयर्स मिलती है इस तरफ की ओर, जो आपके अभी मैं टेरेस के ऊपर लेके जाऊंगा। टेरेस का व्यू बड़ा जबरदस्त है, आपको माउंटेन मिलता है, आपको वाटरफॉल मिलता है, वो सब देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिए आप। इसके बाद मैं आपको पहले लेके चलता हूँ मेरा ये जो एरिया है, यहाँ से सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक सुंदर सी एक लॉबी दे रखी है, तो यहाँ पे आप सिटिंग कर सकते हैं अपनी, मतलब कुछ भी आप बच्चों के लिए एक एरिया बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेसियस है, मास्टर बेडरूम है मेरा। तो सबसे पहले ये जिस पनवेल जगह पे है, पनवेल का जो एरिया है, ये आपका पालसवा फाटा से कुछ ही दूरी पे है, मतलब कनेक्टिविटी के हिसाब से मेन हाईवे मिलता है आपको। और दूसरी चीज क्या है कि जो जो मेरा प्रोजेक्ट है वहां से आपका खंडाला पूना एक्सप्रेसवे, खंडाला हो गया, आपका माथेरान हो गया, ये सारी चीजें नियर अबाउट मिलती है। इसी मेन एक्सप्रेसवे से आप सीधा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को आपको कनेक्ट करता है। एयरपोर्ट भी आपका कुछ ही दूरी पे है इधर से, तो मतलब जो मुंबई का जो एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है या जो भी प्लांट टाउनशिप डेवलप हो रही है, वो सारी चीजें इसके आसपास ही है। और यकीन मानिए कि दोस्तों कि नैना, जी हाँ दोस्तों, पनवेल के अंदर जो नैना का डेवलपमेंट है, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट के आसपास के एरिया को नैना की अथॉरिटी डेवलप कर रही है, जो बड़ी प्लानिंग की तरीके से डेवलप हो रही है। और इस जगह पे, पनवेल जैसी जगह पे, आपको कोकण जाने के लिए गोवा कनेक्टिविटी, पूना जाने के लिए पूना कनेक्टिविटी बड़ी सुपर मिलती है। तो आपके बिल्कुल बीचों बीच है, आपको हर चीज इसके पास में है। तो यहां से मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा जो सेकंड रूम है, तो सेकंड रूम जो मेरा है उसका जो बालकनी का स्पेस आप देख सकते हैं, बड़ा स्पेस है, उसका साइज भी आपको शो हो रहा है। तो ये मेरे सामने जो ये बंगले आते हैं, ये आपके 4 BHK के बंगले हैं, ये आप ये जो देख रहे हैं, ये 4 BHK के बंगले हैं। इनका सारा टोटली कंस्ट्रक्शन आपका मायवान है, तो मैंने बंगलों में कंस्ट्रक्शन मायवान दे रखा है। तो आपको यहाँ पे 3 BHK 4 BHK के प्लांट, मतलब टाउनशिप में बंगले मिलते हैं आपको। स्कूल की व्यवस्था है, फादर एंजल स्कूल जो माना जाता है, बैंड्रा में भी बड़ा उसका एक पॉइंट है, मतलब मुंबई में बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है। तो उस स्कूल को भी हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं, 450 एकड़ के टाउनशिप के अंदर आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या आपको मेगा टाउनशिप हम ये डेवलप कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे सेकंड थर्ड रूम की तरफ। तो ये मेरा लेफ्ट का एरिया हो गया, तो यहाँ से मेरा मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है, थर्ड मास्टर बेडरूम। ये मेरा वॉशरूम का एरिया आप देख सकते हैं, ये मेरा वॉशरूम का एरिया है। और ये मेरा थर्ड रूम है, रूम का साइज स्पेसियस है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ ऊपर की तरफ, जहां से आपको पूरा व्यू मिलता है, हिल व्यू मिलता है, और आपको वाटरफॉल मिलता है, और नेचर से बिल्कुल मैंने नेचर से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको क्लासिक है, नेचर से जुड़े हुए हैं आप। तो यहां से मैं आपको लेके चलता हूँ अपने टॉप फ्लोर की तरफ, ठीक है। आइए दोस्तों, तो वाकई में पनवेल जैसी जगह पे आपका जो 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 प्राइस इंक्रीमेंट के चांसेस खूब ज्यादा है। हमने कनेक्टिविटी आपकी विंडो भी दे रखी है, जिसके कारण आपकी अंदर की तरफ जो रोशनी है या वेंटिलेशन बना रहता है। तो यहां से मैं मेरा टेरिस आ गया, मेन वही होता है कि मेरा मेरा ग्राउंड फ्लोर, मेरा फर्स्ट फ्लोर, मेरा सेकंड फ्लोर और मेरा ही टेरिस, तो सेपरेट है आपके लिए। तो हमने लिफ्ट की जो प्रोविजन है ऊपर तक दे रखा है, तो लिफ्ट आपकी यहाँ तक आती है, तो आप देख सकते हैं लिफ्ट की प्रोविजन यहाँ तक हमने दे रखा है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल रूफ टॉप के ऊपर आ गया हूँ, तो नेचर के साथ आप बने हुए हैं बिल्कुल। इसमें इस जो प्रोजेक्ट को बनाने का कंसेप्ट यही है, बड़ी सी मेगा जो टाउनशिप पनवेल के अंदर, जो नवी मुंबई के अंदर जो डेवलप की गई है,
बिल्कुल हिल स्टेशन पे ही आप, तो आप देख सकते हैं कि सामने हिल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नेचर के बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं आप, और आपको दिखाई दे रहा है कि झरने भी हैं और बिल्कुल ग्रीन एरिया है, मतलब ये ऐसा नहीं है, चारों तरफ से आप ग्रीन एरिया के बीच में है, तो बहुत बड़ी एक मेगा टाउनशिप डेवलप।